किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने वहां का जायजा लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की दिल्ली कूच के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस यहां मुस्तैद नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, नुकीले तारों से यहां बैरिकेडिंग करते हुए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस यहां सतर्क नजर आ रही है। साफ तौर पर आप ये सामने देख सकते हैं विक्रांत, हर स्थिति में दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर मौजूद है। हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। मैं अभी आपको यहाँ अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ दिल्ली पुलिस, अगर ऐसी स्थिति आती है, किसान अंदर आते हैं तो उनसे निपटने के लिए आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं नुकीली कीले यहाँ नज़र आ रही हैं, रस्सी, ये बड़े बड़े डंडे पूरी। अगर ऐसी कोई नौबत यहाँ आती है, अभी दिल्ली पुलिस के एडिशनल CP ने भी बताया है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हर स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए तैयार है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ कमांडो यहाँ तैनात हैं, अर्धसैनिक यहाँ तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, कई लेयर सुरक्षा बॉर्डर पर पूरी तरह से यहाँ तैनात नजर आ रही है। फिलहाल स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की सामान्य है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, किसान दिल्ली में कूच करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं, तो ऐसी स्थिति पर निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉयस, दिल्ली।